सिटी कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने रहनुमा पीपल्स पार्टी को 1,00,000 रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया है। नबील गबोल ने आसिफ जरदारी के करीबी दोस्त लतीफ खोसा के बंगले पर हमला करते हुए तोड़फोड़, मुलाजमीन पर तशद्दुद और हवाई फायरिंग की थी। चेयरमैन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी हाफिज अब्दुल बर का पूछा और हथियार छीनकर उन पर तशद्दुद करने के बाद धमकियां देते हुए चले गए थे। डिफेंस पुलिस के मुताबिक लतीफ खोसा के मुलाजिम गुलाम शबीर ने थाने में नबील गबोल, फिरोज अली और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसमें इल्जाम आयद किया गया कि 1 मार्च की रात को तकरीबन 11:30 बजे वो डिफेंस में वाके बंगले पर मौजूद थे। दरवाजा जोर से बजाने की आवाज आई। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो यकदम नबील गबोल अपने दूसरे साथियों के साथ घर में जबरदस्ती घुसे। हाफिज अब्दुल बर के बारे में पूछा कि वो कहाँ है, हम उसे मारने के लिए आए हैं। मुलाजमीन से लतीफ खोसा के दामाद हाफिज अब्दुल बर का पूछा और हथियार छीन कर उन पर तशद्दुद करने के बाद धमकियां देते हुए चले गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलाजिम ने मजीद बताया कि उससे रिपीटर छीनकर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। रिपीटर से बंगले पर 2 फायर किए गए, तोड़फोड़ की और पूरे बंगले की तलाशी ली। बाद हजार रिपीटर वापस देकर वहां से चले गए। इनकी करप्शन को जब मैंने बेनकाब किया और मेरे पास जब लहरी के कुछ लोग जो फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी से ताल्लुक रखते वो आए थे, फिरोज गाबा साहब की सरबराई में मैंने उनके साथ इनकी बात कराई। मैंने कहा जी ये इनके मसले मसाइल हैं और स्पीकर फोन ऑन था तो इन्होंने जो है चेयरमैन फिशरी ने उनको गालियां दी कि आप लोग यहां पर क्यों आए हो नबील गबोल के पास। मुझे वही मैं करूंगा जो मेरी मर्जी है।